तो दोस्तों आपकी डिमांड पर लेकर हाजिर हूं टॉप 5 ऐसे ईयरबड जो 1500 रुपए की प्राइस में आपको देखने को मिलने वाले हैं आने वाली सेल में, यानी कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में। और जनरली इनकी प्राइस की बात करूं तो यार ये 1700, 1800, 2000, 2500 की ईयरबड्स हैं, काफी प्रीमियम ईयरबड्स हैं। और अपने जो प्राइस है ये नॉर्मल प्राइस है, इसमें भी काफी वर्थ इट है अगर आप इनको नॉर्मल डेज में भी लेते हो। लेकिन आपको मिलने वाला है सेल में 1500 रुपए के अंदर, तो अच्छी चीज है यार, आपके लिए काफी फायदे का सौदा होने वाला है। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहो, तुरंत वापस आते हैं। तो और बताओ यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो यार शुरुआत करते हैं अपने 5वें नंबर वाले ईयरबड से, जहाँ पे हम बात करेंगे बोट की, बोट इमोर्टल 171। काफी तगड़ा ईयरबड है, अगर आपको थोड़ी गेमिंग वाली वाइब चाहिए, थोड़ा आरजीबी लाइट्स वगैरह चाहिए, थोड़ा सा तड़कती बढ़ती लाइट जलनी चाहिए, तो ये ईयरबड आपके लिए हो सकता है यार। यहाँ पे साउंड क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको गेमिंग का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको 40 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलने वाला है, 5.3 का ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट वाला जो है वो यहाँ सपोर्ट करता है। वहीं पे फास्ट चार्जिंग भी आपको देने को मिल जाती है, 10 मिनट की चार्जिंग से 180 मिनट तक आप प्ले कर सकते हो, काफी सही है। वहीं भी बात करें गेमिंग की तो यहाँ पे आपको 40 ms की लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है, तो अगर आप कैजुअल गेमर हो, थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहते हो, तो ये ईयरबड आपके लिए हो सकता है। IPX4 रेटेड है, तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह पड़ता है, जिम वगैरह जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साउंड क्वालिटी अच्छा बेस मिल जाता है आपको, एक गेमिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफी तगड़ा है, 1700 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन आपको आराम से 1300 से 1400 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ले सकते हो। तो बात करें अपने चौथे ईयरबड की, जो कि आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी टेक लाइफ। यार ये काफी ज्यादा हाई रेटेड ईयरबड है, जहाँ पे जो फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखोगे तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको रेट किया हुआ है, 4.2 का इसको रेटिंग मिला हुआ है, काफी सही ईयरबड है। और मजबूरी बन गई यार इसको रखना, क्योंकि यार मुझे कहीं ना कहीं मैं इसको रखने वाला नहीं था, लेकिन यार ये ईयरबड की क्वालिटी जो है ना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जिस प्राइस में ये आने वाला है। 1200 रुपये से 1300 रुपये की प्राइस में आपको आराम से मिल सकता है ये ईयरबड। और वहीं पर अगर मैं इसकी फीचर की बात करूँ तो यार यहाँ पे आपको 28 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कम जरूर है, क्योंकि मैंने आपको अपने ईयरबड बाइंग गाइड में जो बताया हुआ है एटलीस्ट 30 आवर होना चाहिए, यहाँ पे 2 घंटे कम दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा, क्योंकि जो क्वालिटी दे रहा है वो बहुत तगड़ी है। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, IPX5 रेटेड है, और साथ ही में गूगल का फास्ट पेयरिंग मिलता है। वहीं पे फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 मिनट में 120 मिनट का प्ले टाइम देखने को मिलता है, 1500 रुपये इसका प्राइस एग्जैक्ट आता है जनरली, और ये आपको आराम से 1200 से 1300 रुपये के बीच में देखने को मिलने वाला है। तो बात करें अपने तीसरे ईयरबड की, जो क्या था ओप्पो की तरफ से, ओप्पो एनको बड्स 2। भाई काफी ज्यादा पॉपुलर ईयरबड रहा है ये, अगर इसकी रेटिंग की बात करो तो यार 2 लाख के पास पहुंच रही है इसकी रेटिंग फ्लिपकार्ट के ऊपर, और काफी सही ईयरबड है, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। अगर आपको एक अच्छा साउंड क्वालिटी वाला ईयरबड चाहिए तो यार ये ईयरबड आपके लिए हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके फीचर की, तो यहाँ पे 28 घंटे का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको फास्ट चार्जिंग के दौर पे 10 मिनट की अगर चार्जिंग करते हो तो 1 घंटे का प्ले टाइम देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है। ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन देखने को मिलता है, जानता हूं थोड़ा सा डाउन जरूर है, लेकिन यार कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर जो मिल रहा है आपको कैमरा कंट्रोल का, वो भी काफी ऑसम है। अगर आप फोटो वगैरह क्लिक करना चाहते हो, सामने फोन को रखो और आप 1-2 टैप से आराम से क्लिक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक अच्छा फीचर है जो कि बहुत रेयर ईयरबड्स में आपको देने को मिलता है। IPX4 रेटेड के साथ आता है, तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी वानी अगर थोड़ा बहुत पड़ता है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। 1700 से 1800 रुपए के बीच में इसको जनरल प्राइस में मिलता है, लेकिन ये भी आपको 1500 रुपए के अंदर आराम से देखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर पे आता है Realme Buds Air 3 Neo। तो यार जो अभी तक मैंने आपको ईयरबड्स बताए हुए उनमें आपको जो इतना ज्यादा प्ले टाइम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल चार्ज पे 7 घंटे का प्ले टाइम देखने को मिलता है। ओवरऑल जो प्ले टाइम है केस के साथ, वहाँ पे आपको 30 घंटे का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है, तो यार यहाँ पे काफी सही चीज है। वहीं पे अगर बात करता हूँ यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की, तो यार 10 मिनट में 120 मिनट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे 10 mm के ड्राइवर्स है, तो यार बेस वगैरह साउंड वगैरह काफी अच्छा होने वाला है। AI ENC का सपोर्ट है, तो कॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉइस कैंसिलेशन काफी सही होगा। यहाँ पे 1999 रुपये मिलता है, यानी कि 2000 रुपये का, लेकिन ये भी आपको 1600 रुपए के आसपास बड़े प्यार से देने को मिलेगा। मुझे पता है यार 100 रुपए ज्यादा जा रहा है, हो सकता है आपको 1500 के अंदर भी देखने को मिल जाए, लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो एस्टिमेट मैं लगा रहा हूँ, वो आपको 1500 से 1600 के बीच में देखने को मिलने वाला है। लेकिन यार फीचर काफी तगड़े हैं, अगर आपका बजट है तो आप इसको जरूर कंसीडर करना, काफी सही ईयरबड है। तो यार पहले नंबर पे जो ईयरबड आता है यार एकदम क्लियर ईयरबड है, अगर ये आपको 1500 या 1600 रुपए में देखने को मिलता है तो भाई इससे अच्छा ईयरबड कोई देखने को नहीं मिलेगा आपको इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Nord Bud, काफी तगड़ा ईयरबड है यार, 2700-2800 रुपए इसकी प्राइस रहती है नॉर्मल डेज में, और सेल अभी आती है जो जनरल सेल आती है वहां पे भी आपको 2600-2200 रुपए में देखने को मिला, इससे ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन इस सेल में आपको बड़े प्यार से जो ये 1500 से 1600 रुपए में देखने को मिलेगा, अगर इस प्राइस में आपको देखने को मिलता है यार तो बिल्कुल मिस मत करना, ले लेना फटाफट से, काफी सही ईयरबड है। फीचर की जल्दी से बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 30 घंटे का प्ले टाइम मिलने वाला है, 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलने वाले हैं, काफी सही ड्राइवर्स है, काफी अच्छी लाउडनेस आपको देखने को मिलने वाली है, बेस काफी अच्छा मिलने वाला है। वहीं पे यहाँ पे जो क्वाड माइक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, ANC है, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन वगैरह काफी तगड़ा मिलने वाला है। वहीं पे मैं बात करूँ IPX 55 रेटेड है, तो यार यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पसीना वगैरह आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
साथ में यहाँ पे जो फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो यार गूगल फास्ट पेयरिंग सपोर्ट है तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे आप जो कनेक्ट करना चाहोगे, जैसे आप बॉक्स को ओपन करते हो तुरंत ही वो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। कीमत की बात करते यार 2700-2800 मैंने आपको जैसा बताया यार, लेकिन आपको आराम से 1500-1600 में देखने को मिलेगा, तो काफ़ी सही ईयरबड है यार। अगर आपको इस रेट में मिलता है यार, तो इस प्राइस सेगमेंट यानी कि 1500 के आसपास की प्राइस में इससे बेटर ईयरबड कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये प्रोडक्ट जो मैंने बताया आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, बताना क्यों नहीं पसंद आया, और कुछ अगर और नया वीडियो चाहते हो तो उसके ऊपर भी कमेंट करो, अगली वीडियो जरूर लेके आऊंगा। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।